करीब 3 दशक से यूपी का वनवास झेल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को जीवित करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर एक कदम आगे बढ़ा रही हैं, तो वहीं उन्हीं के नेता प्रियंका गांधी को बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस काफ़ी मंथन के बाद हर विधानसभा सीट पर एक एक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है और अब तक करीब 166 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन लगता है इन उम्मीदवारों को कांग्रेस का हाथ नहीं चाहिए, इसलिए टिकट मिलने के बावजूद भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर नेता दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। मसलन यूसुफ अली यूसुफ को ही ले लीजिए, ये कांग्रेस से रामपुर जिले की चमलोहा सीट से प्रत्याशी चुने गए थे, मगर अब इन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और साइकिल पर सवार हो गए। ये वही यूसुफ अली यूसुफ हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी पर षड्यंत्र और धोखेबाजी का आरोप लगाया था और कहा था कि सपा के बहकावे में आकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सपा में शामिल हो गए, तो इन्होंने सपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी कर ली और कांग्रेस ने चमरोहा सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, मगर ऐन वक्त पर अखिलेश ने यूसुफ को टिकट दे दिया जिसके चलते इन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और साइकिल की सवारी करना बेहतर समझा। वहीं दूसरे नंबर पर रामपुर की सोयल टांडा सीट है जहां से कांग्रेस ने रामपुर के नवाबी रियासत के शहजादे हैदर अली खान उर्फ हमजा मियाँ को टिकट दिया था, मगर शहजादे साहब ने तो कई दशकों के रिश्ते को दरकिनार करके भाजपा के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल की अपना दल में शामिल हो गए और इन्हें टिकट भी मिल गया है और इनका सीधा मुकाबला रामपुर की सियासत के सबसे बड़े खानदान आजम खान के बेटे अब्दुल आजम से है। लिस्ट में तीसरा नाम बरेली कैंट सीट से सुप्रिया एरन का है जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, मगर लगता है कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सुप्रिया को रास नहीं आई और इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ना मुनासिब समझा और अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गई और सपा ज्वाइन कर लिया। सबसे मजे की बात, अखिलेश ने इन मोहतरमा को बरेली कैंट से ही टिकट दिया है। अब सूबे में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ऐन वक्त पे पार्टी छोड़ेंगे तो सवाल उठना लाजमी है क्योंकि प्रियंका ने किस आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जो कि टिकट मिलने के बाद भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए यूपी की चुनावी राह और भी मुश्किल होती नजर आ रही है। टीम लोकल वोकल।